दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मेगा ऑक्शन के स्टार्ट होने से ठीक पहले प्री ऑक्शन यानी कि प्लेयर ड्राफ्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्लेयर ड्राफ्ट किस तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा और इस प्लेयर ड्राफ्ट में कौन कौन से स्टार प्लेयर्स बिकेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्री ऑक्शन यानी कि प्लेयर ड्राफ्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्री ऑक्शन में कई सारे स्टार प्लेयर्स दो नई टीमों में बिकेंगे और यहां पर अहमदाबाद की टीम ने पहले से ही आर अश्विन, डेविड वार्नर और शिखर धवन से कॉन्टेक्ट किया है और काफी सारे क्रिकेट वेबसाइट में क्लेम किया गया है कि अहमदाबाद की टीम प्री पिक के जरिए इन्हीं तीन प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल करेगी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम केएल राहुल और आसिद खान के संपर्क में चल रही है। तो कुल मिला के यही सब प्लेयर इस साल के प्री ऑक्शन में नजर आएंगे और इसके साथ ही और भी कई सारे स्टार प्लेयर्स इस साल के प्री ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि हर्षल पटेल, ईशान किशन, जॉनी बेरिस्टो, शुभमन गिल, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी कई सारे स्टार प्लेयर्स इस साल के प्री ऑक्शन का हिस्सा बनेंगे और इन सभी प्लेयर्स के ऊपर आईपीएल की दोनों नई टीम यानी कि अहमदाबाद और लखनऊ बोली लगाती हुई नजर आएगी। तो अब बात करते हैं कि ये प्री ऑक्शन किस तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा। तो इसके ऊपर बीसीसीआई की तरफ से अब से कुछ दिनों पहले बड़ी अपडेट देखने को मिली है, जहां पर बीसीसीआई ने अभी तक प्री ऑक्शन को इसलिए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि बीसीसीआई का सीवीसी कैपिटल यानी कि अहमदाबाद टीम के साथ थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो इस वजह से प्री ऑक्शन कंडक्ट नहीं हुआ है और बीसीसीआई ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक सीवीसी कैपिटल के साथ बीसीसीआई का इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक कोई भी नई टीमें अपने अपने प्री पिक प्लेयर्स का नाम ऐलान नहीं करेगी। तो यहाँ पर कुल मिला के 31 दिसंबर का डेट दिया गया है और 31 दिसंबर तक आईपीएल की दोनों नई टीमें तीन तीन नए प्लेयर्स का नाम ऐलान देगी। तो कुल मिला के यहाँ पे 25 या फिर 26 दिसंबर को प्री ऑक्शन यानी कि प्लेयर ड्राफ्ट देखने को मिलेगा और ये एक छोटा सा इवेंट होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क पर देखा जा सकता है और स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क दोनों नई टीमों के तीन तीन प्री पिक प्लेयर्स का नाम ऐलान करेगी। तो यही था आईपीएल 2022 के प्री ऑक्शन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले और साथ ही में टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।